नमस्कार, स्वागत है आप सबका देहाती बिल गेट्स में। और मैं आया हूँ आज बेहद ही खास जगह पर। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक बेहद जंगल, और इस जंगल में हम बिताने आए हैं एक पूरा दिन। तो अभी मेरा हेलीकॉप्टर आप देख रहे होंगे ऊपर, लेकिन आपको बता दूं मैं कि मैं आज हेलीकॉप्टर से नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपनी फरारी गाड़ी से आया हूं। ये है मेरी फरारी गाड़ी, आप देख सकते हैं, और इस गाड़ी से मैं आया हूं। और आइए चलते हैं जंगल की तरफ और बिताते हैं पूरा दिन। आइए तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं कि जंगल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा ये बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई सदियों पुरानी जंगलों में पाई जाती है। उनकी खासियत ये है, ये जब रात में चलती हैं तो उनके पंख से खास तरह की एक ध्वनि पैदा होती है। मैं खास आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हजारों की संख्या में आपको ये बटरफ्लाई मिल जाएंगे, देखिए। और बहुत ही ये दुर्लभ प्रकार की ये बटरफ्लाई है। आगे स्कूल 12 साल में एक बार खुलता है, और स्कूल की खासियत ये है कि इसको पाने के लिए लोग बहुत ही जतन करते हैं, लेकिन फूल किसी को मिलता नहीं है। और ये खास किस्म का फूल है, इसे हमने ले लिया है, इसे रख लेते हैं और आगे चलते हैं। जैसे जंगल के जो पेड़ पर फल लगे हुए हैं उनका मजे ले रहा है। और आपको नीचे दिखा दूं कि मैं यहाँ पर ये जंगली ब्रेड देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, और ये शायद ये मंकी नहीं खाया, इस बंदर नहीं खाया है। तो ये जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, आप देख रहे होंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, ये जंगल में हम लोगों को करीब पूरा आधा दिन हो चुका है, और इस समय काफ़ी गर्मी है। आप ऊपर देख रहे होंगे सूरज काफ़ी अपनी तपिश के साथ चमक रहा है, और काफ़ी ज़्यादा धूप है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा पसीना हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बेहद ही खास चीज़ अपने पास रखा हूँ। आपको दिखा दूं कि मैं अपने बैग में एक बेहद ही खास चीज़ लेकर गया हूँ, जिससे दोस्तों ये देखिए नाइसिल और इस पाउडर से मैं अगर आपको बता दूँ कि इसको अगर मैं लगा लूँ अपने पास जो है, तो इससे हमें इस भीषण गर्मी से राहत मिल जाएगी, और ये बहुत ही फायदेमंद है। इसको भी अपने पास आप रख सकते हैं, काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। आइए, इस समय खाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन हमें जंगल में ढूंढना होगा ताकि हम कुछ खा सकें। अगर इसी तरह हाल रहा तो जान जानी तय है, तो हमें जंगल में देखना होगा। आप देखिए मेरे सामने ये खास तरीके का फल है, ये देखिए, ये बिल्कुल खास तरीके का फल है। अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो ये कांटा है जो काफ़ी चुभ सकता है, लेकिन अंदर काफ़ी इसके अंदर काफ़ी विटामिन होता है। अगर इसे आप तोड़ें और इसे खाएंगे तो काफ़ी आपको राहत मिल जाएगी, आपको जो आपके अंदर विटामिन की कमी हो पूरी हो जाएगी। हाथ से तोड़ना मुमकिन नहीं है, पैर से तोड़ के देखते हैं कि टूटता है कि नहीं टूटता है। जी हाँ, देखिए इसके अंदर जो है काफ़ी विटामिन है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही इसका कड़वा टेस्ट है, लेकिन मुझको इससे जो मेरी एनर्जी है वो वापस मिल जाएगी, और मेरी भूख इससे मिट जाएगी। लेकिन आप लोग इसे मत खाइएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, इस समय आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये पहाड़ है, और इस पहाड़ से हमें नीचे उतरना है और आगे की तरफ जाना है। बहुत ही सावधानी से हमें उतरना होगा, अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो जान भी जा सकती है, और बहुत ही आराम से उतरना होगा। काफी पहाड़ है, देखा आपने, मैंने बताया था कि ये काफी फिसलने वाला पहाड़ है, अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की तो यहाँ पर गिरने का खतरा बना रहता है। तो आइए आगे जंगल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे होते हैं। तो नदी का रंग नदी। तो दोस्तों, आपको एक खास चीज़ और बता दूं मैं कि सामने मेरे एक पौवा की बोतल पड़ी हुई है,
और लग रहा है कि यहाँ पे बेवड़े भी काफी आते हैं, जो आने के बाद इधर जो है अपना काम करने के बाद ये खाली बोतल फेंक जाते हैं। तो हम इसे भी साइड में फेंकते हैं, आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं आगे क्या। तो काफी दूर चलते हुए हम लोग एक बहुत ही खास जगह पे आ चुके हैं। आप ठीक मेरे सामने देखेंगे एक बहुत ही शानदार नदी बहती हुई जा रही है और मुझे यहाँ से जाना होगा, हमें सवाल उतरना होगा इस नदी में ताकि हम यहाँ जाएं और अपनी प्यास बुझा सकें। पूरी पूरी नदी आप देख रहे होंगे, बहुत ही शानदार नदी है और इसमें इसका पानी भी काफी फ्रेश पानी है जो हमें पीने के काम आएगा। आप देख रहे थे कि काफी देर से हम लोग जो है प्यासे थे और इस नदी का पानी हम पी करके हमें प्यास बुझा पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा ये डंडा ही मिल गया है, हमारे काम आएगा आगे, क्योंकि हमें एक पहाड़ भी पार करना है और उस पहाड़ को पार करने के बाद है हमें हमारा मंजिल अपने घर की तरफ हम जा पाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो एक खास चीज आपको दिखा दूं, मैं पीछे मेरा पेड़ है और इस पेड़ को देखिए, इस पे बिजली गिरी है और ये पेड़ कैसे जल गए हैं आप देखिए, आप करीब से आपको दिखा दूं मैं, ये पेड़ कैसे जल गया है, देखिए बिजली गिरी है और ये पेड़ जल गया है। तो बेहद ही यहाँ पे ये खतरनाक सीन आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग आज रात में बिजली गिरी है, पूरा पेड़ जल गया है, तो हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। चलिए उसको आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही खतरनाक गुफा देख चुका हूँ और इसके अंदर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो आइए इस गुफा में चलते हैं और देखते हैं कि इस गुफा के अंदर क्या, बहुत संभल के आइएगा भाई। इसके अंदर शेर, दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा शेर है और अगर हमने अगर भाग के अपनी जान नहीं बचाई होती तो मुमकिन था कि हमारी जान जा सकती थी। हमें जल्द से जल्द इस एरिया से निकलना होगा ताकि हम अपनी जान बचा सकें। आइए चल दोस्तों, आपको एक बहुत ही खास इस जंगल की पेड़ के बारे में बताना चाहूंगा। आप पीछे देख रहे होंगे ये शायद जो है आम का पेड़ है, आम नहीं, आम का पेड़ नहीं है शायद, ये वो क्या बोलते हैं अमरूद का पेड़ है, नहीं तो शायद ये अनार का पेड़ है, अनार का पेड़ है भाई, नहीं अनार का पेड़ नहीं है भाई, नारियल का पेड़ है। अच्छा, तो ये दोस्तों ये नारियल का पेड़ है और देखें आप चारों तरफ ये जो है दूर तक जो नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है भारी मात्रा में नारियल पैदा होता है। तो नारियल तो अभी है नहीं जो है, अगली बार आएंगे तो फिर जो है इसका आनंद लेंगे, तब तक आगे चलते हैं। काफी वक्त हम यहाँ जंगल में गुजार चुके हैं और आपको दिखा दूं कि मैं पूरा ये इलाका जंगल से घिरा हुआ है, ये सूखे हुए टहनियाँ और पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ की मिट्टी भी काफी रेतीली है और ये पूरी पूरी काली मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी। ये जंगल में इस तरह के आप देखिए पूरा एक पहाड़ है और इस पहाड़ को पार करने के बाद हमें जो है ऊपर की तरफ जाना है और उसके बाद शायद हम आबादी की तरफ जा सके। तो आइए पहाड़ की तरफ चलते हैं, बहुत ही संभल के चलना होगा और इसके लिए मेरे पास एक खास ये रस्सी पड़ी है जो मैंने रास्ते में मुझे मिल गई थी। इस रस्सी को मैं ऊपर फेंकूंगा और ऊपर फेंकने के बाद इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। तो इस रस्सी को मैं फेंकता हूँ, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, ये रस्सी मैंने ऊपर फेंक दी है, अब इसके सहारे मैं ऊपर चढ़ूंगा ताकि ऊपर चढ़ जा सकूं। काफी खड़ी चढ़ाई थी और हमें कल करीब जो है आधा घंटा यहाँ से चलाने में लग गया और आपको काफी राहत वाली बात है कि आपको दिखा दूँ कि हम आबादी की तरफ आ चुके हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो गाड़ियाँ जा रही हैं और हम आबादी की तरफ जा चुके हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और आप सब तक इंजॉय करिए, तब तक आप सबको नमस्कार।